खबर बिहार के किशनगंज से, जहां भारत नेपाल सीमा में बनी नवनिर्मित गलियां मेची पुल से जोड़ने वाले अप्रोच सड़क का विधायक नौशाद आलम ने फीता काटकर उद्घाटन किया। आपको बताते चले कि भात गांव पंचायत मुखिया द्वारा मनरेगा योजना के तहत 300 फीट की अप्रोच सड़क 9 लाख की राशि से बनाई है। गौरतलब है कि दो देशों को जोड़ने वाली यह सड़क काफी अहम मानी जाती है। तो वहीं पिछले दिनों सुरजापुरी विकास मोर्चा के बैनर तले पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल की अगुवाई में जन आक्रोश सभा में अप्रोच सड़क एवं महाराणा प्रताप चौक तक सड़क चौड़ीकरण की मांग की थी। लोगों की मांग तेज होता देख बिहार विधानसभा के सचेतक सह जदयू विधायक नौशाद आलम ने मनरेगा योजना से बनी अप्रोच सड़क का उद्घाटन किया, साथ ही साथ महाराणा प्रताप चौक तक सड़क चौड़ीकरण अविलंबन करने की बात बताई। आमंत्रित किया है, चाहे उद्घाटन जिसका भी हो, हमारे मुन्ना सिंह जी यहाँ मुखिया प्रतिनिधि हैं, उन्होंने हम लोगों को आमंत्रित किया है। चाहे छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कोई भी काम हो, हम लोगों का लाना आना जरूरी है। सब लोगों को उन्होंने बुलाया है, सम्मान के साथ बुलाया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं। जहाँ भी लोगों को जो लोग बुलाएंगे हम लोग जाएंगे। चौड़ीकरण के लिए क्या कहें? चौड़ीकरण के लिए ही हम लोग कोशिश में हैं। बंगाल चेक पोस्ट से आपको जाकर के यहाँ बिहार चेक पोस्ट जो है यहाँ पर गलगलिया के बगल में जो चेक पोस्ट है, वहाँ से लेकर यहाँ लगभग 5 किलोमीटर है महाराणा प्रताप चौक से लेकर यहाँ 5 किलोमीटर, उसी का चौड़ीकरण के लिए भी हम लोग प्रस्ताव भेजे हुए हैं। कोशिश में है लगे हुए कि वो उसका DPR भी चला गया है, कोशिश में है कि वो हो जाए। 9 लाख समथिंग की योजना है आपको, कि छोटी काम नहीं है। ये जो सड़क है पूरे बिहार को जोड़ती है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, जिसका प्रयास करके मैंने इनके आशीर्वाद से बनाया। जबकि बहुत सारा मुखिया का एक हिम्मत भी नहीं होता कि मनरेगा को जल्दी छुए, लेकिन मैं अपने लोगों के समस्याओं को देखा और अपने बड़े भाई से आशीर्वाद लिया और रोड को बनाया, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सड़क है और पूरे बिहार को लाभान्वित करेगी। 300 फीट की? ये 300 फीट की। लेकिन कुछ लोग इसे सियासी खेल कहते हैं। देखिए जी, सियासी खेल करने वालों से मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस समय में 1 बजे रात तक मैं आप मेरे अनुपस्थिति में यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए, मेरे पंचायत वासियों से पूछ लीजिए, 1 बजे रात तक मैं 10-10 आदमी मिलकर खुद खड़ा रह के रोड को बनाया, उस समय कहाँ थे? मेरी आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं एक अदना सा मुखिया, मेरी आवश्यकता क्यों पड़ी? उन्होंने लोग कहते हैं कि बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े इससे रखते हैं पुल का, उन्होंने पुल बनाया, तो उस समय वो लोग कहाँ थे जब पुल उधर घूम गई? उनको काम जो आज काम मैंने किया, वो काम पूर्व में इन लोगों को कर लेना चाहिए था। भात गांव पंचायत के मुखिया जी ने बोला कि यहाँ जो हम मनरेगा का काम किए हैं, SSB के द्वारा बाधा उत्पन्न होती है, काज करने नहीं दिया जाता है, वहाँ डिस्टर्ब होता है। इस पर हम चाहेंगे कि क्या सीमा उत्तरी क्षेत्र में क्या SSB से NOC लेने की आवश्यकता होती है तभी वो काम हो पाएंगे, या फिर राजनीतिक दबाव से उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि काम नहीं होना चाहिए? देखिए, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी तो SSB पे है, लेकिन जब जनहित का मुद्दा होता है तो SSB को इसमें लिबरल होना चाहिए। जहाँ तक गलगलिया मेची पुल के कनेक्टिविटी का मामला है, 16 तारीख को हम लोगों ने मेची घाट पर जन आक्रोश सभा किया, जिसमें अख्तर साहब थे, तौसिफ साहब थे, फैयाज साहब चेयरमैन जिला परिषद के थे, और उस समय माननीय विधायक जी पटना में थे। तो 3 दिन बाद हमने सुना कि विधायक जी आ रहे हैं, शिलान्यास करेंगे, किसी ने कहा उद्घाटन करेंगे, हमने लगा कि शायद किसी को सुनने में गलती हुआ, ये शिलान्यास ही होना चाहिए। हम लोग बहुत खुश हुए कि हो सकता है कि संबंधित मंत्री ने कहा हो कि जाइए आप शिलान्यास कर दीजिए, और जो है हम 1-1.5 महीना के अंदर DPR वगैरह तैयार करके काम चालू कराएंगे। हम लोग उत्सुक थे काफ़ी, हम लोग की उत्साह बड़ी थी, लेकिन कहावत है, बहुत शोर सुना था, हाथी के दुम का देखा तो गजभर की रस्सी पड़ी थी। भाई, बिहार सरकार सत्तारूढ़ दल के विधायक सचेतक, इनको महाराणा प्रताप चौक से मेची पुल तक सड़क अप्रोच निर्माण, इंटरनेशनल सड़क निर्माण का काम जो 12-13 करोड़ रुपया लगना था, उसका शिलान्यास करना चाहिए था, ना कि जो है इनको ये जाके जो है मुखिया जी के द्वारा जो काम किया हुआ है, ये जाके उसका शिलान्यास कर रहे हैं, मनरेगा के कार्यक्रम का ये शिलान्यास कर रहे हैं, जो एक टेम्प्रोरी रिलीफ है। अगर आज मानसून आ जाए तो कल वो सड़क खोजने से नहीं मिलेगी, वो काम भी जाँच का विषय है, जहाँ JCB से काम हुआ सुना गया है कि दूध का जला बिल्ली मट्ठा भी फूक के पिए। 30 साल पहले जो पुल हमारा मेची पे बनना था, जो सारा सामान गिरा मेची घाट पे, लेकिन
बाद में उठ के चले गया पानी टंकी और 30 साल पहले वो पानी टंकी में पुल बन के तैयार हो गया। हमें डर इस बात का है कि फिर हमारे साथ धोखा ना हो जाए। और एक बार अगर बंगाल ने जोड़ दिया तो आधा किलोमीटर तक हम अपने सड़क को ले जाके सड़क में नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि SSB का चेक पोस्ट बनेगा, कस्टम का चेक पोस्ट बनेगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बनेगा। तो ये सारे चेक पोस्ट के बाद ही कहीं जाके जो है हमारी बिहार की सड़क जाके उस बॉर्डर रोड में मिलेगी, तो हमारी तो हकमारी हो जाएगी। लम्हों ने खता की, सदियों ने अदा की। जो गलती हमारे बुजुर्गों ने 30 साल पहले किया, अगर उसी समय आंदोलन होता तो शायद 30 साल पहले जो पानी टंकी में पुल बना वो हमारा होता, आज हमारा क्षेत्र कितना आगे निकल जाता, किशनगंज तरक्की की बुलंदियों पर रहता। लेकिन आज उसका खामियाजा, हमारे पूर्वजों का खामियाजा हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिसका खामियाजा हमारी आने वाली संतान करेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी। इसीलिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वहाँ जो भी हो, गोली चले, लाठी चले, जो भी चले, हम किसी भी कीमत पे इस पुल को बंगाल से जुड़ने नहीं देंगे, चाहे हमें अपने आप को बलिदान करना पड़े।